बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो एक बात फिर से मैं बोल दूँ, है ना, क्योंकि अभी हम ये अपने बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो उतनी ही बातें रख रहे हैं हम, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये वो है ना। चलिए तो अब देखिए ज़रा, तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ओए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें अच्छा है ना, अच्छा कौन सा है, वही अपना एसिडिफाइड Na2Cr2O7, ये चीज़, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी के लिए सूटेबल है ना, बेस्ट है। अब देखें जरा कैसे होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सर, यहाँ पर भी ना OH एंड CH का बॉन्ड फिजन होने वाला है, मतलब कि नॉर्मली OH और CH के बॉन्ड फिजन से अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है एसिड में, ठीक। इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड्स किस में होंगे, अल्कोहल में होंगे, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखें, आगे हमें फ़ायदा करेगा। जरा आप देखें, इसको मैं आर डैश बोल दूँ, अपना OH, तो अपना वही मैं लिख देता हूँ एसिडिफाइड। अब आप ना स्पेलिंग वगैरह मत ध्यान दें, ये हम पहले बात कर चुके हैं, मेन जो सीखना वो सीख रहे हैं, है ना। तो एसिडिफाइड Na2Cr2O7, तो भाई OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा जब अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो वो उस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ से OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्लोज होने के बाद देखो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ऐसे कर लो क्या, R डैश डबल बॉन्ड O, क्यों, तो सर जी ये था 2 डिग्री अल्कोहल, तो साहब 2 डिग्री अल्कोहल, एक बना कंपाउंड जिसका नाम है एसीटोन, क्या बना, एसीटोन। अब की बार ना जो एसीटोन होगा, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम इसमें रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, अगर देखना भी कैसे, आप ये देखो जरा ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो जरा ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ना ये बना कीटोन, ठीक। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखें हम लोग, नॉर्मल कहानी क्या है, डायलॉग ये है कि कीटोन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एसीटोन मैंने लिख दिया ना, एसीटोन थोड़ी ना होगा, कीटोन है ये, कीटोन है, ठीक। तो नॉर्मल कहानी ये है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, लेकिन इनके पास वो एच नहीं है ना, ये चीज़, तो हम लोग कीटोन का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं करवाया करते, ठीक है। लेकिन कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है। तो जब बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन हो, मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस ना हो, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सब कुछ हाई हो ना, है ना, तब कीटोन्स का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो डायलॉग चलता है, जो सबको पता है, जो हमें भी पता है कि कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती हम करवा सकते हैं। तो अगर हम कोई ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें, वही मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वगैरह ना, कुछ ऐसा कंडीशन, तो कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए करते हैं, और कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए पफ ऑफ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक। आप जरा समझो, इसमें कुछ ना ऐसे ऐसे बॉन्ड टूट जाया करता है, ठीक, और इन दोनों कार्बन से एक एसिड मिलता है ना, मतलब कि ये दो कार्बन यूज़ करता हुआ एक एसिड, तो RCOOH+, और यहाँ पे जो कार्बन होगा ना, वो कार्बन इंक्लूड करता हुआ एक एसिड। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर R की जगह मिथाइल ग्रुप होता तो 1 कार्बन था, तो 1 कार्बन का एसिड HCOOH होता, ठीक है। तो अपने ऑर्गेनिक में एसिड बोलने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ करता है, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा R-COOH, ठीक, ये चीज़। तो ये दोनों क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें आप, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग डिफरेंट होंगे, है ना, यहाँ सेम मैच नहीं करेगा, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट, जरा अगर अपन लोग इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स देख लें, समझे। तो मेन डायलॉग क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन, कीटोन का प्रिपरेशन, ठीक। लेकिन कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ करते हैं,
इनके ऑक्सीडेशन के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन अपन लोग करने के लिए यहाँ पर दिखा दिए कि अगर ये कभी होगा तो इस तरीके से दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है? पफ ऑफ रूल से होता है। ये क्या होता है अपने बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, जब एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कैसे यहाँ पर ब्रेकिंग हुआ करती है। ठीक, चलिए जैसे अब अपन लोग वही लिख लें, क्या लिख लें सर, जैसे कि CH3CH2, आर की जगह CH3 यूज कर लेते हैं, तो HCH3OH। ठीक, जब तक OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम माइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, तो वही ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, बॉन्ड टूटा तो अभी तो सेम कार्बन का रखता हुआ एक कीटोन बना, कीटोन का क्या नाम है सर जी, CH3COCH3, वही पैटर्न मैंने लिख दिया। तो ये है एसीटोन, ये हम पढ़ रखे हैं, इसका नाम है एसीटोन। ठीक, ये है कीटोन। अब मैंने बोला क्या कि यहाँ से ना तोड़ दो इसको, और यहाँ जितने कार्बन से उतने कार्बन का एक एसिड बनवा लो। तो यहाँ से अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें, ड्रास्टिक कंडीशन, तो क्या होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाए करेगा सेम कार्बन रखते हुए, तो मतलब कि CH3COH प्लस, देखो वन कार्बन है ना, तो वन कार्बन या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है रेड एंड पर, तो SCOOH ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो कॉमन नेम क्या होता है सर जी, एसिडिक एसिड ऑन एंड फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड तो होता है ऐसे। तो वही डायलॉग, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन मिलेगा, फर्दर इनका नहीं होता लेकिन होता भी है, सब बातें हमने कर दी ऐसे। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की, पहले आप इतना लिखिए। ठीक, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, तो नॉर्मल डायलॉग ये है कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, अगर हम लोग वही अपना OH बॉन्ड एंड COH, इस बॉन्ड को तोड़ करना, मतलब कि इस COH बॉन्ड टूटेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, OH और CH यही था ना इससे पहले, तो OH और CH को बॉन्ड को तोड़ करके 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, लेकिन ज़बरदस्ती करवाएं तो हमें CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, और फिर ये OH बॉन्ड। नॉर्मल किसी ने बोला 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा कब, ये बॉन्ड तोड़ने पे नहीं होगा, लेकिन अगर हम CC बॉन्ड तोड़ कर ज़बरदस्ती करें तो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फिर आप देखें, 3 डिग्री अल्कोहल मतलब R, इसको डैश दिखा लेता हूँ अलग करने के लिए। ठीक है, तो वही ROH, तो अपना हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल, वही चीज़ इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, तब इसका ऑक्सीडेशन होता है, नॉर्मल सर्कम ट्रांसफर में नहीं होता है। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से हम ये वाला OH बॉन्ड फिजन, और ये अब की बार CC बॉन्ड फिजन होगा ना, तो ये आ रहे वो CC, यहाँ भी C है ना, तो वही कीटोन बनेगा, RCO R-, ठीक है, एंड देन फर्दर, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो जो अभी एसिड बनने वाला है उसको भी फिर से ऑक्सीडाइज फर्दर करवा देता है, फिर देखते हैं कैसे। तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन वही HNO3 नाइट्रिक एसिड, अब वही चीज़ ना, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो टूट जाएगा, तो यहाँ से RCOOH प्लस R-COOH। ठीक, यहाँ पे खास बात ये ना, जो ये R-COOH बना है ना, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए करता है CO2 प्लस, यहाँ पे डिपेंड करेगा, मतलब कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, इस वाले कंपाउंड का। तो जरा आप देखो, ये कीटोन था, अब यहाँ पर भी ना ड्रास्टिक कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में हम करवा सकते हैं। तो जरा आप देखो, CH3 OH,
दिस इज द टर्सरी अल्कोहल अवर एंड OH बॉन्ड एंड ये CC बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो वही चीज क्या मिलेगा सर, देखो वही अपना पुराना हथियार एसीटोन, एसीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन, मैंने बोला इसको तोड़ दो आप, तो यहाँ से CH3COOH, क्यों यार ये बन जाते इसे CH3COOH यहाँ से, और यहाँ से वन कार्बन का फॉर्मिक एसिड, तो HCOOH। ठीक, बेसिकली क्या है ना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो फॉर्मिक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज करवा दिया करता है, तो बेसिकली HCOOH, तो अच्छे से लिखो HCOOH इस फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है CO2 प्लस वाटर में। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर, ये चीज़। तो जो फॉर्मिक एसिड बना उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है। ठीक है, तो ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मिक एसिड का हो जा रहा है उसका नहीं कर रहा है। ठीक, ये तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल।